मैनी टू वन फंक्शन हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है कि जिसकी डेफिनेशन होती है कि रेंज जो है ना, रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट वाई कह लो या सेट बी कह लो। मतलब क्या है डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इसको बी भी कहा जाता है, मतलब अगर ए भी लिखा हुआ है तो ये बी सेट हो जाएगा, या इसको वाई भी बोला जाता है। रेंज जो है ना वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए वाई का। कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो दूसरा सेट है उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट फारिग होने चाहिए। लेट कर लो 1 4 से हो रहा है, 2 भी 4 से हो रहा है, 3 5 से हो रहा है, जो दूसरा सेट है ना उसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट फारिग हो। इसमें तो दो एलिमेंट फारिग है ना, अगर एक एलिमेंट भी फारिग है ना तो उस वाले फंक्शन को आप क्या बोलोगे, ऑन टू फंक्शन बोलोगे। यहां पे दो एलिमेंट फारिग है, यहां पे भी दो एलिमेंट है, तो ये भी 1 to 1 है, ये भी 1 to 1 है, बस सेकंड सेट के अंदर कोई भी एटलीस्ट एक एलिमेंट फारिग होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी एलिमेंट फारिग हो। अच्छा यहां तक यार किसी का, सॉरी ये ऑन टू नहीं इनटू है, इसको इनटू फंक्शन कहते हैं, ऑन टू मैं भी पढ़ाऊंगा। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, माइक्रोफोन ऑन करके यार ऊंचा बोलना थोड़ा, कोई भी चीज ना समझ आई भी हो। ठीक, तो अभी तक हमने 3 फंक्शन पढ़े, 1 to 1, मैनी टू वन और इन टू फंक्शन। अब हमारे 3 और रह गए, चौथा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। देखो इनटू फंक्शन में था कि रेंज जो है ना वो प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए। कहने का मतलब जो दूसरा सेट है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट फारिग होने चाहिए। ये इसको अपोजिट है कि दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं होना चाहिए। हाँ पूछो। एक इनपुट के, यार एक इनपुट के 3 आंसर, कोई एग्जांपल? हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। साइन के अंदर अगर आप 30 डिग्री पुट करो तो 1/2 आता है, अगर 150 डिग्री पुट करो तब भी 1/2 आता है, अगर 390 डिग्री पुट करो तब भी 1/2 आता है। इसकी तो खैर बहुत इनफाइनाइट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनफाइनाइट होते हैं। उसकी एग्जांपल आप देख लो कि अगर आप साइन फंक्शन को बनाओ तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ तो देखो कितने पॉइंट क्रॉस कर रही होगी। ये इन पॉइंट क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि इस एक्स वैल्यू पे भी सेम वाई वैल्यू है, इस पे भी सेम वाई वैल्यू है, इसी तरह इस पे भी सेम वाई, इस पे भी सेम वाई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपने पढ़ा है पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, उसमें आप पुट करते जाओ वैल्यू रिपीट करती जाएगी, तो ऐसे तो पता नहीं कितने पॉइंट निकल आएंगे। क्लियर है? जैसे आपने इनटू फंक्शन पढ़ा था ना, तहा आपका माइक्रोफोन ऑन है। इनटू फंक्शन आपने पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि कुछ ना कुछ एलिमेंट फारिग होने चाहिए। ऑन टू में अपोजिट होता है कि कोई भी फारिग नहीं होना चाहिए। वन का 5 से है, 2 का 6 के साथ है, 3 का 7 के साथ है, 4 का 8 के साथ है, तो मैं ज़रा इनपुट और बढ़ा लेता हूँ वरना फारिग हो जाएगा। 5 का भी 8 के साथ कर लेते हैं, 6 का 9 के साथ कर लेते हैं। अगर आप इस एग्जांपल में देखो तो ये फंक्शन है। पहली बात कैसे फंक्शन है, क्योंकि आप देखो किसी भी एक एलिमेंट से 2 एरो नहीं जा रहे, फंक्शन है। पहले सेट का कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं है तो फंक्शन है ये। ऑन टू फंक्शन क्यों है, क्योंकि जो दूसरा सेट है उसका भी कोई एलिमेंट फारिग नहीं है। अगर दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट फारिग है तो आप उसको इनटू भी बोल सकते हो, और अगर बाकी बातों पे वो उतर रहा है तो वो 1 to 1 भी हो सकता है, बाकी भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं है तो उस वाले को आप क्या बोलते हो, ऑन टू बोलते हो। इसको हम बोलते हैं कि जो रेंज है ना, रेंज जो है वो बराबर होगी सेट वाई के। जो दूसरा सेट है ना, अगर रेंज उसी के बराबर हो जाए तो
तो उस वाले को आप क्या बोलते हो? ऑनटू फंक्शन। ठीक है, अब दो फंक्शन ऐसे हैं जो इनका मिक्सचर है। जैसे एक फंक्शन होता है जिसको आप, अच्छा एक और चीज क्या बतानी थी, सब्जेक्टिव, इसको आप सब्जेक्टिव कहते हो। जो ऑनटू फंक्शन है ना, इसका एक और नाम भी होता है सब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक फंक्शन होता है जिसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये तीन टाइप के फंक्शन हैं, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव। ये सब आपके सिंध बोर्ड में है, ये मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को। तो ऑनटू फंक्शन का दूसरा नाम सब्जेक्टिव है। तो बात ये कि बाइजेक्टिव क्या हुआ फिर? बाइजेक्टिव वो वाला फंक्शन होता है जो वन टू वन भी हो और साथ साथ ऑन टू भी हो। ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो, उस वाले फंक्शन को आप बोलते हो बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, वन फाइव से मैप हो रहा है, टू सिक्स से हो रहा है, थ्री सेवन से हो रहा है, ये वन टू वन है। वन टू वन में क्या था, हर एक्स का डिफरेंट वाई होना चाहिए, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। क्यों? एक एलिमेंट फारिग बैठा हुआ है। तो इसको ऑन टू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को निकाल देते हैं। तो अब अगर आप इसको देखो तो अब ये एक कौन सा फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्यों? इसमें वन टू वन की कंडीशन भी पूरी हो रही है कि हर एक्स का डिफरेंट वाई आ रहा है, और इसमें ऑन टू फंक्शन की भी कंडीशन पूरी हो रही है कि दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं है। तो इसको आप बोलोगे बाइजेक्टिव फंक्शन। और एक आखिरी है जिसको आप बोलते हो इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है जो वन टू वन भी हो और साथ साथ इन टू हो। वन टू वन और ऑन टू को आप बोलोगे बाइजेक्टिव, वन टू वन और इन टू को आप बोलोगे इंजेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई इसकी। ये अगर आप इसको देखो तो इंजेक्टिव फंक्शन है। क्यों? सबसे पहली बात, वन टू वन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक्स की डिफरेंट वाई वैल्यू है, और दूसरी चीज ये इनटू फंक्शन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे सेट का एक एलिमेंट फारिग है। तो ये कंडीशन किसकी होती है? ये इनटू की होती है। तो ये वन टू वन भी है, इनटू भी है, तो इसका नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन है। तो ये वो फंक्शन थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। कुछ और फंक्शन भी हैं, फंक्शन तो खैर बहुत पढ़ोगे आप, वही मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है कि जिसके अंदर आप जो पुट करो वही आंसर आता है। जैसे मैपिंग डायग्राम में इस तरह लिखते हो आप इसको कि वन पुट किया वन आ रहा है, टू पुट किया टू आ रहा है, थ्री पुट कर रहे हो थ्री आ रहा है। तो इसको आप क्या बोलोगे? आइडेंटिटी फंक्शन। जो आप पुट कर रहे हो वही आ रहा है। और इसकी जनरल फॉर्म ये होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। आप अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू भी 1 ही आ रही है। मतलब आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखो या y इक्वल टू एक्स लिखो, बात एक ही होती है, क्योंकि y बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के। तो आप x की वैल्यू 1 पुट करो, y की भी 1 आ रही है। x की 2 पुट करोगे, y की भी 2 आ जाएगी। तो आप जो x की पुट कर रहे हो वही y की वैल्यू आ रही है, उसको आप बोलोगे आइडेंटिटी फंक्शन। और आठवां हो जाएगा कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है कि जिसके आंसर में कोई कॉन्स्टेंट आ रहा है और वो फिक्स है, मतलब बार बार चेंज नहीं हो रहा। कॉन्स्टेंट तो इनके आंसर में भी आते हैं, मतलब आप पुट करते हो तो कॉन्स्टेंट ही आंसर आता है, लेकिन कॉन्स्टेंट का मतलब वही कॉन्स्टेंट आएगा बार बार। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर। अब भाई आप एक्स की जगह कुछ भी पुट कर लो, आंसर फोर ही आएगा। आप एक्स की जगह यहां पे वन पुट कर लो, आंसर फोर आएगा। एक्स की जगह टू पुट कर लो, आंसर अभी भी फोर आएगा, क्योंकि फंक्शन में कहीं एक्स नहीं आ रहा ना। तो जब x नहीं आ रहा, वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, उसको कोई असर ही नहीं होगा। तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आंसर में हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। तो इस वाले फंक्शन को आप क्या बोलोगे? कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, और अगर मैपिंग डायग्राम में शो करना चाह रहे हो तो इस तरह भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, बाकी भी हो सकते हैं एलिमेंट इसके अंदर। मैप आप सिर्फ 4 से करोगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ अभी कि वन आपने पुट किया फोर आया, टू पुट किया फोर आया, थ्री पुट किया फोर आया। कहने का मतलब इस तरह भी हो सकता है, अगर कोई और एलिमेंट भी हो तो अभी भी ये कॉन्स्टेंट फंक्शन ही रहेगा, क्योंकि आंसर तो एक ही आ रहा है, बाकी एलिमेंट हो या ना हो, आंसर एक आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो ये टाइप खत्म हो गई है उन फंक्शंस की जिनको आप डिफाइन करते हो उनकी डोमेन से
या उनकी रेंज से डिफाइन कर रहे थे आप इन सब को, तो ये वाले फंक्शन खत्म हो गए। अब काइंड ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन जो है ना वो स्टार्ट होंगे। उससे पहले कोई सवाल है तो पूछ लो, अगर नहीं सवाल तो आप लोगों की थोड़ी रेस्ट है, ब्रेक है 10 मिनट की, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अलजेब्रिक फंक्शन में यार सबसे पहली टाइप जो है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि अगर आपने इसको काफ़ी देखा, मैं पॉलिनोमियल के बारे में जो डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ बता दूँ वो स्टूडेंट के जहन में क्लियर नहीं होती। जैसे मैं पॉलिनोमियल फंक्शन लिखता हूँ, इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान देना है कि जो पावर आपको नज़र आ रही है ना, ये पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकती हैं या ज़ीरो पावर भी हो सकती है। जैसे अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, कांस्टेंट का मतलब इसमें वेरिएबल की पावर ज़ीरो है, तो पावर ज़ीरो भी हो सकती है पॉलिनोमियल के अंदर या कोई भी पॉजिटिव हो सकती है। अगर नेगेटिव पावर मौजूद है या कोई पॉइंट में वैल्यू मौजूद है या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू मौजूद है 1/2, 1/3, तो उसको आप पॉलिनोमियल नहीं बोलते। पॉलिनोमियल में शर्त ये होती है कि जो पावर है ये क्या होनी चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए या ज़ीरो भी हो सकती है, तो उस वाले को आप क्या बोलते हो, पॉलिनोमियल बोल देते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -3, अभी पॉलिनोमियल नहीं रहा क्योंकि इसकी पावर जो है वो अब क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात कि जो मैक्सिमम पावर है इसको आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो 3 है ये मैक्सिमम पावर है पूरे पॉलिनोमियल को, अगर आप देखो तो जो मैक्सिमम पावर होती है पूरे पॉलिनोमियल में उसको आप क्या बोलते हो, डिग्री बोलते हो। और एक आखिरी चीज के जो मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म है ना, उसका जो कोएफिशिएंट है उसको आप लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हो। या जो एक्स क्यूब, जो मैक्सिमम टर्म है ना, जिस टर्म में मैक्सिमम पावर है उसके साथ का जो कोएफिशिएंट है, तो उसको आप क्या बोलोगे, लीडिंग कोएफिशिएंट बोलोगे। या तुम लोग टाइम पे आ जाया करो, मैं झुक झुक के कमर में दर्द हो जाएगा, बार बार मैं ऐड करता हूँ तुम लोगों को। जैसे यहाँ पे इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म है ना उसका जो कोएफिशिएंट है उसको आप बोल दोगे लीडिंग कोएफिशिएंट। तो एक आपको डिग्री पता होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, एक आपको लीडिंग कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दूसरा आपको पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। अब कुछ मशहूर पॉलिनोमियल हैं जैसे लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन बोल दो। अच्छा, जब देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ ना पॉलिनोमियल फंक्शन, तो मैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स यूज़ करूँगा। अगर मैं बोलूँगा पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो फिर मैं इक्वल टू जीरो लिखूंगा, फिर मैं इस पूरी चीज़ की जगह क्या लिख दूंगा, जीरो लिख दूंगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में यहाँ पी ऑफ एक्स आता है और पॉलिनोमियल इक्वेशन में यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ये फ़र्क होता है, बेसिक सा फ़र्क है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे लीनियर फंक्शन बताओ, तो लीनियर फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है कि जिसमें पावर जो है वो मैक्सिमम 1 होती है। अब अगर आप इस फंक्शन को देखो, ये लीनियर फंक्शन है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 के बराबर। तो ये लीनियर फंक्शन है इन 1 वेरिएबल, सिर्फ x की फॉर्म में। चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ोगे x और y दोनों की फॉर्म में, जैसे जितनी स्ट्रेट लाइन है वो लीनियर है सारी की सारी, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन भी होता है जिसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर आ जाए, ये भी क्वाड्रेटिक है, अभी भी क्वाड्रेटिक है, अभी भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अब खाली ये वाली टर्म हो या उसके साथ ये वाली टर्म हो या उसके साथ कांस्टेंट भी हो, सब सिचुएशन में वो क्वाड्रेटिक ही रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक वो इस पावर की वजह से बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखवा देता हूँ नाम इनके साथ साथ, क्योंकि रिविजन ही चल रही है। लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। उसके बाद एक होता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसके न्यूमिनेटर में भी कोई पॉलिनोमियल होगा, जिसके डिनोमिनेटर में भी कोई पॉलिनोमियल है, तो इस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, रैशनल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रैशनल फंक्शन हो गया, ये वाला फंक्शन हो गया, फिर आप डिस्कस करोगे यहां पे, मैं देख लेता हूं कुछ मिस ना हो जाए यहां पे। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, ठीक है। यार दो टाइप के और फंक्शन होते हैं जो आप अभी पढ़ोगे उसके अंदर। चैप्टर नंबर 4 में भी आपने की होगी 4.3 में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। फंक्शन होता है भाई इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसा फंक्शन, पहले एक्सप्लिसिट पढ़ लेते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वो इक्वेशन के एक तरफ हो। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ,
आप पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, आप इसकी जगह वाई भी लिख सकते हो, दोनों नोटेशन मैंने बताया हम यूज करते हैं। तो अगर आप इस फंक्शन को देखो, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल वाई वो इक्वेशन के एक तरफ है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वो इक्वेशन के दूसरी तरफ है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें इनडिपेंडेंट अलग मौजूद है, डिपेंडेंट इक्वेशन के अलग तरफ है, तो उस वाले फंक्शन को आप बोलते हो एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसको इस तरह भी हम बोलते हैं कि जो डिपेंडेंट वाला है ना वो इक्वेशन की एक तरफ आइसोलेट हुआ है, कोने पे मौजूद है, उसके साथ एक्स वैक्स नहीं होगा, एक्स वाली टर्म जो है वो राइट हैंड साइड पे है। ओके, और एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है कि जो मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं एक्स वाई प्लस साइन वाई प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई, अगर आप इस फंक्शन को देखो इसमें एक्स और वाई मिक्स होकर लिखे हुए हैं, जिनको आप आसानी से अलग कर ही नहीं सकते। अगर आप यहाँ पे अलग करने जाओ तो कोशिश करके देख लें, अलग होना पॉसिबल ही नहीं है या बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो उस वाले फंक्शन को आप क्या बोलते हो, इम्प्लिसिट, जिसमें दोनों मिक्स होकर लिखे हुए हैं, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन के एक तरफ ना हो बल्कि मिक्स ही फॉर्म में लिखा हो, उस वाले फंक्शन को आप इम्प्लिसिट बोल दोगे। तो कुछ अलजेब्रिक फंक्शन है। अच्छा, तो अभी हमने सब अलजेब्रिक फंक्शन है उनको पढ़ लिए, अब जरा आ जाओ लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ लेते हैं। आपने, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चैप्टर 4 में पढ़े हुए, जाहिर सी बात है, वरना डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पढ़े हैं तभी तो डिफरेंशिएशन करोगे। लेकिन किसी को नहीं पता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है क्या, बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जिसमें बेस जो है वो कॉन्स्टेंट है, पावर जो है वो वेरिएबल होना चाहिए। जैसे आप अलजेब्रिक फंक्शन देखो, अलजेब्रिक में बेस जो है वो वेरिएबल होती है, पावर कोई भी नंबर होता है, कोई भी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, तो इसको आप अलजेब्रिक कहते हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उल्टा होता है, यहाँ पे बेस जो है ए कोई भी कॉन्स्टेंट है और पावर आपके पास वेरिएबल होता है, तो इस वाले फंक्शन को आप क्या बोलते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन कुछ शर्त होती है इसमें कि ए जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और ए जो है वो 1 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 1, ए 1 भी नहीं हो सकता और बाकी जितने पॉजिटिव रियल नंबर हैं उसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, माइक्रोफोन ऑन है, सैयद नाम रखा हुआ है, किसी ने आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। ये ग्राफ होता है इसका, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक ग्राफ होता है। अच्छा, अगर ए, मैंने बताया पॉजिटिव होगा ना और 1 नहीं होना चाहिए, तो अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो इस टाइप का ग्राफ बन रहा होता है। अगर ए जो है, ए जो है अगर वो 0 और 1 के दरमियान हो, देखो ए नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, पहली बात ये जहन में रख लो, ए पॉजिटिव ही होगा, इसी तरह ए 1 भी नहीं हो सकता। अगर ए 1 से ग्रेटर है तो इस टाइप का ग्राफ बन रहा होगा, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना। और अगर ए 0 और 1 के दरमियान है तो फिर वो एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो 0 और 1 के दरमियान ए हो, जैसे 0.1, ये जो ए लिखा हुआ है, 0.2, तो आपका ग्राफ इस तरीके से बन रहा होगा। मैं पहली रिकमेंड कर दूं, जो मैं अपने स्टूडेंट को ऐप रिकमेंड करता हूँ, ये वाली, इसको जल्दी से डाउनलोड कर लेना क्लास से फ्री होके। इसमें आप कोई भी फंक्शन डालते हो आपके पास ग्राफ आ गया, तो आप एज्यूम कर लेना ये वाला फंक्शन ड्रॉ करना, जरा 0.5x ज़रा लिखना, आपको इस टाइप का ग्राफ नज़र आ रहा होगा। और अगर ए ग्रेटर देन 1 है, जैसे 5 की पावर x, तो आपको इस टाइप का ग्राफ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व करो कि जो ग्राफ है ये x एक्सिस के करीब जाता जाएगा लेकिन x एक्सिस से मिलेगा नहीं, इसको याद रख लो, ये आपको बाद में चीज़ समझ आएगी मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, कि ग्राफ जो है ये x एक्सिस के पास चला गया बिल्कुल लेकिन x एक्सिस से मिल नहीं रहा। इसी तरह ये वाला ग्राफ भी x एक्सिस के पास जा रहा है लेकिन x एक्सिस से मिलेगा नहीं। तो बाद में आप इसकी अलग से एक डेफिनेशन पढ़ोगे, तो अभी से पहले जहन बना लो कि ये x एक्सिस में नहीं मिलता, बिल्कुल पास चला जाता है एक्सपोनेंशियल का। और लॉगरिथम का हम देख लेते हैं, लॉगरिथम में उल्टा हो जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जिसके अंदर लॉग आ रहा है, लॉगरिथम आ रहा है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स, इसको आप लॉगरिथमिक फंक्शन बोल दोगे। अगेन इसमें शर्त तो वही है, ये ए वहीं से आया हुआ है, तो ए बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर से, ए जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता। और इसके अंदर एक और शर्त ये कि लॉग आप हमेशा पॉजिटिव नंबर का लेते हो। अगर आप कैलकुलेटर में लिखो ना लॉग 0
या log नेगेटिव टू, कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करो वो आपको एरर दे देगा। log हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है, मतलब x ग्रेटर देन जीरो, कोई भी नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, नेगेटिव नंबर का आप log नहीं ले सकते। दो काफ़ी मशहूर log हैं जिनके नाम आपको बताऊंगे, अगर नहीं पता हो देख लो। ऐसा लोगारिथमिक फंक्शन जिसकी बेस जो है वो 10 है, जो नीचे a लिखा हुआ है ना, इसको आप बेस कहते हो। अगर बेस 10 है तो उसको आप बोलते हो कॉमन लोगारिथमिक। जो आपके कैलकुलेटर में LOG के नाम से बटन है ना, वो कॉमन लोगारिथमिक का है, कॉमन log, ये लिख देते हैं बस। और अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है लोगारिथमिक जिसकी बेस जो है वो e के बराबर है, जिसमें नीचे e लिखा हुआ है, ठीक है, log e x भी लिखा जाता है या ln x भी लिखा जाता है। आप log e लिखो या आप ln लिखो, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ के, लेकिन ज़्यादातर हम ln यूज़ कर रहे होते हैं, आपने चैप्टर नंबर 4 में बहुत देखा होगा। तो अगर बेस e हो तो उसको आप ln लिख देते हो, और उस log को आप क्या बोलते हो, नेचुरल log। तो पहला वाला था कॉमन log, दूसरा हो गया नेचुरल log।